नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये जो लव विद एस्ट्रोलॉजी है ना, ये तुम्हारे जीवन में प्रेम भरने का एक अद्भुत संयोग है। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारी जो रिलेशनशिप लाइफ है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, उसमें आ रही हर समस्या का सीधा समाधान आपके प्रत्येक रिलेशन को पूरी तरह से सजाना सवारना शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद और अनेकों ग्रंथों का सार निकाल करके, उसका निचोड़ करके कुछ मिनटों में आपके सामने परोसने का काम जहां किया जाता है। प्रतिदिन सायं 4 बजे हम आपके साथ लाइव गुप्तगू करते हैं, लाइव वार्तालाप करते हैं। अब ये वार्तालाप आपके अपने हिसाब की है। इस वार्तालाप में आप पूरी तरह से सम्मिलित होकर के अपने आप को 100% परिवर्तित कर पाते हो, प्यार के लिए तैयार कर पाते हो, और प्यार के लिए तैयार ही नहीं, पूरी तरह से प्यार के हिसाब से बन जाते हो और प्राप्त कर पाते हो प्यार को, वो ताकत मिलती है। रिसर्च कहती है कि पूरी की पूरी दुनिया में प्यार को सर्च करने वाले 75% लोग हैं। रिसर्च कहती है कि पूरे के पूरे विश्व में, या यूं कह लें कि जितने लोग भी गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं प्रतिदिन, डेली की बात कर रहा हूं, नित्य 47 करोड़ लोग, 47 करोड़ लोग प्यार के बारे में कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हैं, जिनमें से 90% लोग भ्रमित हो जाते हैं उन फालतू के बकवास लोगों के चक्कर में, जिन लोगों को प्यार का प्यापा भी नहीं पता, लव का एल नहीं पता, जिनको उसका रिसर्च नहीं पता, जिनको उसकी व्यवस्था नहीं पता, जिसको उसकी संसाधन नहीं पता, जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों के साथ पढ़ के भ्रमित हो रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं बातें बनाना। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये बातें खींचकर अब्रॉड तक, यूरोप तक, यूएई कंट्रियों के तरफ, या यूं कह लो कि जितना भी एशियन कंट्री हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, सब जगह ये है। और ये बात हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितनी भी वुड है उन सब जगह विद्यमान है। मैंने किसी बहुत प्रशिक्षित और बड़ी अच्छे वर्क पर, अच्छे लेवल पे वर्किंग करने वाली एक अभिनेत्री का एक इंटरव्यू देखा, वो भी कुछ ऐसी कुछ वार्ता कर रही थी। तो कहने का सीधा संबंध है कि वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही है, ना कि वो जजमेंट कर रही है कि तुम यही करना। उनका अनुभव है, उनके साथ गलत हुआ, उनको सही स्थान नहीं मिला, उनको सही संसाधन नहीं मिला। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया, हम प्यार ढूंढने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचने लग गए, फिर बाद में हमें पता चला कि हमारा प्यार, अरे वो प्यार ही क्या था, झूठा तुम्हारा, जिसके लिए तुम्हें बाद में पश्चाताप हुआ कि वो प्यार ही नहीं था। इसका मतलब तुम खुद भ्रमित हो, सबसे पहले तुम्हारा प्यार नहीं, तुम गलत हो। तो चलो उस पर हम बात नहीं करते। आज हम ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी परसेंटेज में अगर लोग रोज प्रेम को सर्च करते हैं, प्रेम पर रिसर्च करते हैं और प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम रोज 4 बजे इस विषय को बता रहे हैं। तुम्हारे आसपास अगल बगल में सबको बताओ ये बात, कोशिश करो ना इस व्यवस्था के सूत्रपात बनो, तुम और तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को इस रंग में रंगो ना। ये संप्रदाय है, इस संप्रदाय में सम्मिलित करो लोगों को और उन सबको इस बात का एहसास कराओ कि हम कैसे सही हैं। निंदा ना होने देना और ना ही तुम करना, क्योंकि गुरु की निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौ घात समाना। गुरु की निंदा सुनई जे काना, गुरु की निंदा सुनई जे काना।
तो भैया निंदा मत सुनना, तुम्हें कुछ ऐसा करके आना है, तुम्हारी जीत में हमारी जीत है। आज हम कह रहे हैं कि तुम हर जगह विजयी कैसे हो सकते हो, तुम अपने लव रिलेशन को 100% कैसे हासिल कर सकते हो। तुमने हर संभव प्रयास किया, दुनिया भर के गूगल से लेकर के ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं बचा जहां तुमने सर्च नहीं किया। हर जगह सर्च करके, हर जगह सर खपा के, सर पटक के, सारे प्रयत्न करके, सब कुछ करके अगर तुम हार गए हो तो बस अब सावधान, आज तुम्हारा दिन है। आज की आज तुम्हारी लव लाइफ में कुछ नए आयाम प्रारंभ होंगे। आज तुम्हारे जीवन के लव के ऊपर हम वर्क करेंगे और आज के आज ही इस व्यवस्था को सूत्रपात करेंगे और इस व्यवस्था को हम एक स्थान प्राप्त कराएंगे। आज हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ताली बजानी है, तीन बार ताली बजाने से आपके अपने जीवन में प्रेम भरेगा। अरे भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो बस बने रहिए अंतिम तक हमारे साथ, क्योंकि आज तुम्हें कोई सामग्री नहीं चाहिए, आज तुम्हें कोई ऐसा स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, आज तुम्हें सिर्फ ताली बजानी है। अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगे तो तुम ताली बजाना, तुम्हारे ताली बजाने में वो शक्ति भरूंगा मैं, वो व्यवस्था का सूत्रपात करूंगा मैं कि तुम्हारा प्रेम भरेगा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, तुम्हारा अपना पर्सनल जीवन, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ कंप्लीटली तुम्हारी हो जाएगी। पर सावधान हो जाओ, इस व्यवस्था के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, दृढ़ता चाहिए और खूब सारा श्रद्धा विश्वास चाहिए। भवानी शंकरो बंदे, अब तो तुम्हें याद होने लगा होगा ये सब बोलना हमारे साथ। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, हाँ श्रद्धा शांतस्थमेश्वरम, श्रद्धा और विश्वास की जो प्रतिमूर्ति है उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा हो, अगर तुम चाहते हो कि अघोर तंत्र का सीधा चमत्कार तुम्हें मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रेम से तुम्हारा विवाह हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में प्रेम भर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में खूब खुशियां आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर कोई पसंद करे, हर कोई तुम्हें माने, जितने भी दुनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो बिकते ही इसलिए हैं क्योंकि तुम सुंदर बन जाओ, तुम्हें हर कोई चाहे, तुम्हें पसंद करे, दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो बिकते ही इसलिए हैं कि तुम आई कैचिंग में आ जाओ, हाँ आइकन बनो लोगों के लिए, भाई सेंटर प्रोटेक्शन बनो, इसीलिए तो हम ब्रांड व्रांड लेते हैं ताकि लोगों को दिखाए भाई टसन है भाई। तो वो सारी की सारी टसन ब्रांड्स में आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं ब्रांड बनाऊं, मैं तुम्हें क्यों नहीं ऐसा बना के दूं, तुम्हारे अपने जीवन में सौंदर्यता और वो अद्भुत आकर्षण क्यों ना क्रिएट हो जाए, तुम्हारे जीवन में प्रेम क्यों ना भर जाए, हर कोई तुमको पसंद करे, हर कोई तुम्हें चाहे और हर कोई तुम्हें अपना माने। किस रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, जो भी तुम हो, प्रेम के अनन्य रूप है। एक पेड़ की कई शाखाएं, सब अलग अलग जाती हैं, सबका जो बेसिक आधार है जड़ एक होती है जिसका नाम प्रेम है, प्रेम सत्संग है, प्रेम कथा है, प्रेम आनंद है, प्रेम सौहार्द है, प्रेम पूजा है, आराधना है, सत्संग है और प्रेम भगवान है। ये ध्यान रखना, प्रेम से बड़ा विश्व में कुछ भी नहीं है। जिसको तुम लव कहते हो ना, जिसको तुम रिलेशनशिप कहते हो, जिसको तुम अपना लवर कहते हो, भाई तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास मानना, आप में से 99.9% क्या बोल गया ये मैं, 99.9% लोग कुछ भी करने को तैयार है प्यार को पाने के लिए। अब कुछ भी का मतलब कुछ भी ही है, ये ध्यान रखना। इसी बात का फायदा उठा करके वो फालतू के बकवास लोग, मुल्ला मौलवी और तांत्रिक मांत्रिक और फिजूल के वो लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, लोगों ने मुझे बहुत बार आगाह किया कि वो लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे, वो लोग फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, अरे करने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं हूं तब तक ये बुलंद आवाज रहेगी ही रहेगी, कुछ नहीं होता। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, कुछ नहीं होता। भगवान शिव विश्वान करने वाले देवता है, हाँ भगवान शिव की कृपा अगर बनी रहे
तो विश्व में कोई असंभव काम नहीं है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जब कुछ अच्छा लगे तो ताली बजाना। आज मैं तुम्हारे ताली बजाने के स्टाइल को बल देने वाला हूं। आज तुम्हारे ताली बजाने की स्टाइल में एक ऐसी शक्ति भरने वाला हूं जिससे तुम्हारे प्रेम रूपी गागर में बहुत सारा जल सागर का भर जाएगा, या यूं कह लो कि वो गागर सागर से परिपूर्ण हो जाएगी। इस मोहमयी निद्रा से ए मायाधीश छुड़ा देना, विषम वेदना के विषयों से भोला नाथ हटा देना। इन सब अव्यवस्थाओं से मुक्त करता हुआ भगवान शिव मुझे आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने की ताकत दे। आज मैं कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को समझना होगा। औघड़ क्यों ताड़ियां पीटते हैं, क्यों तांत्रिक लोग किसी भी चीज की शुरुआत ताली बजा के करते हैं, क्यों बहुत अच्छे मांत्रिक जापक और जप करने वाले साधना संपन्न लोग, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत अमलात्मा जो सिद्धस्त हैं, जो बहुत बड़े संत और महात्मा हैं, जो आज भी कंदराओं में हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो तालियां क्यों बजाते हैं? प्रवचन में, धर्म में, सत्संग में, भजन में तुम्हें ताली ही क्यों बजवाई जाती है? इसके पीछे का एक अद्भुत चमत्कारी एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा और अंदर प्रवेश करना होगा। इस विज्ञान को समझने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी। सबसे पहला तो इस विज्ञान को समझो कि तुम्हारे भाग्य में जो भी कुछ लिखा है वो तुम्हारे हाथों में लिखा है। हाथों की लकीरें हैं ना, जिन्हें तुम हमेशा कोई देखने वाला मिले तो बोलते हो ना, हमारे हाथ को देख के बताना क्या लिखा है हमारे हाथ में। तो तुम्हारे हाथ में जो लिखा है उसको आप उन उंगलियों से स्पर्श करते हो जो उंगलियां किसी न किसी ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गहरी बात है, उतर के बात करना तभी समझ आएगा। हर उंगली किसी न किसी ग्रह की रिप्रेजेंटेटिव है। तुम पुखराज पहनते हो, बृहस्पति जी का कौन सी उंगली में पहनते हो? इसमें पहनते हो ना, तो गुरु की हो गई ना, ये शनि की हो गई ना, शनि राहु केतु के लिए, सूर्य और शुक्र के लिए, बुध के लिए। तो हर एक उंगली किसी न किसी ग्रह की रिप्रेजेंटेटिव है। उन उंगलियों से तुम उन पर्वतों को, जो बेशक ये नवग्रह के पर्वत हैं, उन पर्वतों को स्पर्श करते हो और ये कहते हो कि ग्रह और नक्षत्र, उनका स्थान, उनकी प्लेसमेंट हमारे हिसाब से बन जाए। तुम्हें मालूम नहीं है, बस इतनी सी बात है। भजन करने वाले कितनी सारी शायरियां तुम्हें सुनाते हैं कि ताली बजाओगे तो किस्मत चमक जाएगी, हाथ उठा के ऊंची ऊंची ऊंचे हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, तालियां बजाइए, ऐसे करवाते हैं ना। तो आज तुम्हें वो तकनीक बता रहा हूं कि तुम वही ताली बजा के तुम प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हो। बस एक मंत्र, एक ताकत, एक व्यवस्था, एक संसाधन आपके साथ आज साझा कर रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये ब्रेक लेना क्यों शुरू किया पता है? ब्रेक लेना इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे कुछ मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो हम वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन इत्यादि का खत्म होगा तो कुछ हमारे सच्चे लोग हैं जो अपने चीजों का हमारे साथ तालमेल बिठा करके कुछ स्पॉन्सर्स करने की जिद कर रहे हैं। मैं अभी बहुत प्रिपेयर नहीं हूं, पर ठीक है, जैसा परमात्मा की इच्छा होगी। तो ये उसका एक रास्ता क्रिएट किया जा रहा है। तुम्हारी सबकी इच्छा होगी तो ही ये सब होगा, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम बात करते हैं, जल्दी से आपको उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। भगवान शिव का महीना, भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव की करुणा से तुम्हारी ताली में वो ताकत और वो बल आ सकता है जिससे तुम्हें प्रेम मिलेगा। प्रेम का सबसे बड़ा पर्वत शुक्र है,
दोनों ही हाथों में। प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण उंगली अनामिका यानी रिंग फिंगर है। ताली बजाने में आप कैसे भी ताली बजाओ आप करके देखना, अनामिका और शुक्र पर प्रेशर आएगा ही आएगा। चाहे आप हाथ मारो, चाहे पूरा ऐसे मारो, चाहे ऐसे करके मारो, जैसे भी आप तालियां बजाओगे आप देखना, आपका हाथ शुक्र पर जाएगा ही जाएगा, आपकी अनामिका टच होगी ही होगी। ताली के पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण आधार है। वेदों में चार वेद हैं, आपको पता है, चारों वेदों के बोलने का ढंग, उनकी ध्वनि, उनका लय, उनकी बद्धता सब अलग है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद जो बोलते हैं वो वैदिक मंत्र, पूजा करने वाले पंडित जी लोग हैं वो वैदिक मंत्र बोलते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद की ऋचाएं बोलते हैं और वो कहते हैं गुणानंत गुण पाति गंगावा माहे, ये धुन है उनकी। और वहीं पर अगर कोई शाम वेदी हो तो उसी बात को गा के बोलता है, ओम दीनाये कुमदाकाये ओन सदाये। तो कहने का सीधा संबंध है कि एक वेद दूसरे ढंग से, दूसरा वेद दूसरे ढंग से, और सबके इशारे अलग हैं। शुक्ल यजुर्वेद का व्यक्ति ऐसे इशारे करता है, ऐसे स्वर लगाता है, कृष्ण यजुर्वेद का व्यक्ति ऐसे करता है। तो सबके व्यंजन, सबके स्वर और सबकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, तरीका है, वाइब्रेशंस हैं, भिन्न होती हैं। कहने का सीधा संबंध है कि वेदों ने हमें सिखाया कि ध्वनि का अपना एक अद्भुत चमत्कार है। ध्वनि हमारे यहाँ हमेशा शास्त्रों में, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ध्वनि से हमें हमारी कोई भी पूजा में बिना ध्वनि के, बिना ध्वनि संस्कार के, बिना ध्वनि विज्ञान के हम कोई भी पूजा संपन्न नहीं करते। कभी कभी हम शंख की ध्वनि करते हैं, कभी कभी घंटक ध्वनि करते हैं, और मेरे लिप्स में बोलते बोलते ऐसा लगा जैसे कुछ चिपक गया है, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सही कर लूं। तो जो है वो बता दिया आपको, उसमें छुपाना क्या, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को जो भी लगे। कहने का सीधा मतलब ये था कि हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी पौराणिक कार्य जो वेद वेदांग शास्त्र इत्यादि से रिलेटेड है वो बिना ध्वनि के नहीं करते। कभी घंटक ध्वनि करते हैं, कभी शंख ध्वनि करते हैं, कभी बेड़ मृदंग इत्यादि कुछ कुछ बजाते, बाजत ताल मृदंगा, हाँ ऐसे बोलते ना आरती इत्यादि में। तो बिना ध्वनि के हम कुछ नहीं करते, जिसमें से आपकी अपनी करतल ध्वनि जो है, करतल ध्वनि संस्कृत का वर्ड है जिसको आप ताली कहते हो, करतल ध्वनि जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसके लिए आपने कोई बाहर से चीज नहीं ली, अपने ही आपको आप पेन देके, अपने ही आपको मार के भगवान के लिए कुछ स्वर निकाल रहे हो। इसका सीधा मतलब है कि आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हो। हम हाथ से तो किसी को मारते ना, एक हाथ से दूसरे हाथ को मारना यानी ताली बजाना, करतल ध्वनि करना। करतल कर के द्वारा कर्म करते हैं, कर के द्वारा वो ध्वनि करते हैं। तो कर्म जब ध्वनि बन जाए तो एक संस्कार बनता है और ये अद्भुत ध्वनि सीधा ब्रह्मांड को टच करती है। विश्व की यही एक ध्वनि ऐसी है जो सीधा ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करती है, ऐसा हजारों करोड़ों बार देखा गया है। हनुमान जी करताल बजाते हुए, करताल, हाँ, सरस्वती जी वीणा बजाती हुई, नारद जी नारायण नारायण ऐसे ही करते हुए आते हैं। ये हाथ और उंगलियों का जो संसर्ग है, दो चीजों का मिश्रण है, दो लोगों के मिलने का एक इशारा है, या यूं कह लो कि दो लोगों के मिलन का संयोग है। इस संयोग को आपके ग्रहों के साथ जोड़ करके आपके वियोग को संयोग में जोड़ने का भी काम करेगा ये।
इसको और आगे बढ़ाते हैं, सीधा उपाय की व्यवस्था पर चलेंगे। एक छोटा सा वॉइस मैसेज है, वॉइस मैसेज प्लीज, क्योंकि वॉइस मैसेज के बाद हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। गुरु जी आपके कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा दाम्पत्य जीवन पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। गुरु जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से करूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके कारण ही मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। गुरु जी आपने जिस तरह से मुझे समझाया और मेरा मार्गदर्शन किया एक अच्छे टीचर की तरह, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अच्छा प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना गुरुदेव। आपको बहुत 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 धन्यवाद गुरु। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे भी उतना ही आनंद आ रहा है जितना आपको आ रहा है। जब आपका लगाया हुआ पौधा पुष्पित और पल्लवित और फलित हो जाए तो माली से ज़्यादा आनंद किसी को नहीं आता। टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा उत्तीर्ण हो जाए तो उस टीचर से ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती। एक पिता का अपना बालक उससे ऊपर निकल जाए, इससे बड़ा खुशी कोई नहीं है। राजा दशरथ को सबसे ज्यादा हर्ष हुआ ही तब जब भगवान राम को लोगों ने भगवान कहना शुरू कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा सुख है एक व्यक्ति के जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में कई एक बार सुख मिलता है, जिसमें से महत्वपूर्ण सुख अपना विवाह, खुद का बच्चा होना, उस बच्चे का विवाह होना और उस बच्चे का बच्चा होना, ये सुख सर्वोपरि माने जाते हैं। और ये सारे के सारे सुख संयोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे सुखों में कहीं ना कहीं प्रेम का प्रभाव अधिकतम मात्रा में है। जब दो लोग जुड़ रहे हैं तब तुम्हें सुख मिलता है, चाहे वो आपकी शादी में, चाहे आपकी शादी के बाद का जो प्रसाद है बच्चा वो होना हो, चाहे उसकी अपनी शादी होनी हो, तो प्रेम को जितना बढ़ाया जाए उतना सुखमय होता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की तकलीफें हैं तो सीधा उसकी तरफ चलते हैं। हमारी आदत है हम हर चीज को जोड़कर आपको उपाय बताते हैं, सीधा उपाय नहीं बताते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कमी ना करें, आप गड़बड़ ना करें, आप जो भी कुछ करें उसमें 100% बेनिफिट आपको मिले। खैर, आपको करना यह है कि ये करतल ध्वनि आपको त्रिकाल व्यवस्थाओं में करनी है। एक प्रातः काल सुबह 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले, पहला समय। दूसरा समय आपको दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। तीसरा समय सायंकालीन सूर्यास्त से लेकर के 12 बजे के पहले तक। ये 3 काल में आपको करतल ध्वनि जरूर करनी है। एक दिन तो जरूर कंप्लीट कर लेना, इसको बार बार भी किया जा सकता है। एक दिन अगर कंप्लीट नियम कर लिया जाए उसके बाद तोड़ तोड़ के भी किया जाए तो भी फर्क पड़ता है। पहला दिन 100% नियम पद्धति के साथ करना चाहिए, उसके बाद कोई एक एक काल में भी करोगे तो चलेगा, तो भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आपको आवश्यकता होगी इसमें एक छोटा सा काम करने की। भगवान शिव को सबसे ज्यादा चंदन और चमेली पसंद है, तो आप इनमें से किसी का अगर इत्र मिलता है तो आपके लिए, केतकी छोड़कर कोई भी पुष्प का वैसे लिया जा सकता है इत्र, उसको आप दोनों हाथों में लगाएं और करतल ध्वनि करें। अब वो करतल ध्वनि करने में आप कोशिश करना पूरा हाथ मिलाने के बजाय, ऐसे ताली बजाने के बजाय आप ऐसे ताली बजाना, यानी आपकी उंगलियां आपकी गदेली पर गिर रही हों, वो चाहे इस हाथ से करें और चाहे इस हाथ से करें, कम से कम 3 ताली बजानी है, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी। जैसे आपने किसी जापक को देखा होगा वो जब न्यास करते हैं अंग का स्पर्श करके लास्ट में ऐसे करके 3 तालियां बजाते हैं, किसी भी जापक को देखिएगा, जाप करने के पहले वो न्यास करेंगे, न्यास करने में ये 3 तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे, उसके पहले उनका पूजा स्टार्ट नहीं होगा। तो आपके अपने जीवन में शुभता का प्रारंभ होगा ही तब जब ये 3 तालियों वाला आप उपाय कर लेंगे। अब आपको वो मंत्र साझा कर रहा हूं जिसको बोल के इस ताली को बजाना है। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्र रूपेभ्यः। शुक्ल यजुर्वेद का सबसे पावरफुल मंत्र है।
एक लाइन बोलना सीखना है मात्र, उसके बाद तो तुम हो। विश्वास मानना, विश्व के किसी भी पूजा की शुरुआत न्यास करने के बाद ही होती है। थोड़ा भी तुम जानकार हो तो तुम्हें यह समझ में आएगा। कोई कुछ भी ढूंढ ढूंढ के देखना, किसी को भी पहले पूजा करते हुए देख करके आना, मंदिर में किसी की पूरी पूजा देखना कंप्लीट, जो मंत्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, शास्त्रोक्त हो, किसी भी पंडित जी को कोई भी पूजा करने के समय पूछना, क्या तुमने न्यास किया है, क्या नहीं किया तो टोंक देना कि किसी भी पूजा के पहले पंडित जी पहले न्यास कीजिए, उसके पहले पूजा साक्षर नहीं होती है ना। हर पूजा के पहले न्यास करने से उस पूजा का फल तुमको ही मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं। अभी तक तुम जो उपाय कर रहे थे, हो सकता है उसमें गुरु आदेश ना हो, हो सकता है तुम्हारा मन न लगा हो, और कदाचित ये संभावना है कि ये तुम्हारा न्यास रह गया हो। न्यास से शुरुआत होती है। तो आज शुक्ल यजुर्वेद से निकालकर ये सामग्री तुम्हारे सामने परोसा है, और आशा करता हूं कि तुम इस बार इस उपाय को 100% करके लाभान्वित होगे। अभी तक का हमारा रेशियो 70-80% 90% तक गया है। 99% तक लोगों को हमने ठीक किया, 1% तो साहब कहीं पर भी कुछ होता है। सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है उनकी अपनी गलतियों से या हो सकता है मेरी अपनी गलतियों से कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हों। आप सब बहुत खुश हों, बहुत प्रसन्न रहें, बहुत आनंदित रहें, खूब पानी पिए, अपने को सुंदर बनाएं, मुस्कुराएं, अपना खूब ध्यान रखने की कोशिश करना। एक बार रोने से, उदास होने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। कृपया ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम बहुत सही जा रहे हो। बस चलते रहना, कुछ ही क्षणों में तुम पहुंचने वाले हो अपने गंतव्य तक। तो बस तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ उस प्रेम डगर की नगर में, जहाँ पर सिर्फ प्रेम है। भगवान शिव तुम्हें खूब सारा प्रेम दे, खूब आनंदित करे, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। ओम नमः शिवाय।